और क्लोई ना समझ नहीं पा रही है यहाँ पे कि मम्मी और मासी इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, क्या ढूंढ रही हैं दोनों। ये सिर्फ इनको देख ही जा रही है और फॉलो करने की कोशिश कर रही है, पर उसको बेचारी को ना कुछ समझ नहीं आ रहा। डच हील मार रहा है और उसमें उसका साथ दे रही है दामिनी। दामिनी देखो डर नहीं लगता बब्बे से हा? और अब आ गई है साथ में क्लोई, तो क्लोई अपने पापा का साथ देगी यहाँ पे। क्लोई का बर्तन उठा दूं तो मैंने बब्बे के ना ऊपर से टाप लिया। क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? ऊपर से ना जोई भौंकी जा रही, भौंकी जा रही। क्या कर रही है क्लोई, मेरे सोफे क्यों खराब कर रही है? सारे सोफे खराब कर देती है और अब ना नई आदत डाल ली इसने ना कुछ। और यहाँ बजे हैं सुबह के 9:10, खाना हो गया है ये WY डीमन का। और यहाँ पे इनके फादर साहब आ गए अंदर, फादर साहब आ गए हैं बच्ची के साथ बैठे हुए हैं, साइड में हमारा बच्चा घूम रहा है। ए फादर साहब से पंगे नहीं, फादर साहब भी खाना खा के आ गए हैं, बच्ची उनको एक्सरसाइज करके दिखा रही है। और देखो वहाँ हमारी घर की क्या प्रिंसेस नौकरानी। क्या बोला? घर की नौकरानी। यार मैं क्यों बोलूंगा यार तुझे, क्या बातें करती है, तो घर की प्रिंसेस है यार। चलो और ये रहा प्रिंस, हमारे घर का सही माने में प्रिंस तो यही है। ठीक है सबसे पहले खाना मुझे मिलता। ओए होए देखो बाप और बेटी का प्यार एक अलग ही होता है, गुस्सा भी आएगा पर एकदम सडन आएगा, वो भी एक लिमिट में खेल रही है उसके साथ। अगर ये जोई होती ना तो ये बता देती है, है ना। चलो ऊपर चले, अब तुम्हारा यहाँ का नीचे का तो हो गया खाना, चलो आओ ऊपर चले। चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आ जाओ सारे, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, कम ऊपर चले, चलो चलो चलो, कम बब्बे कम। चलो ऊपर चलो, गुड बॉय, तुझे भी ऊपर जाना है, तू भी अब सीख ले ऊपर चलना। ये भी देख रही है, हाँ उसको लेके जाना, बेटी है तेरी वो, ले जा उसे साथ ले जा। तो बेटी भी आई है यहाँ पे मस्ती मारने के लिए। सनी बब्बा तो ऊपर आ रहा है, जा तू भी चली जा। और यहाँ शिबू कह रहे नहीं चल खेले सर, चलो जी फिर हम खेलते हैं यहाँ पे, अगर सारे के सारे मस्ती मार रहे तो मारा पूरी मस्ती मारो फिर, है ना। हाय गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ योर फेवरेट चैनल अमितोलॉजी। और आज है फ्राइडे का दिन और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं मेरी तरफ से पूरी अमितोलॉजी की फैमिली को, हर हर महादेव। और बहुत बड़ा दिन है हम हिंदुओं के लिए और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस के घर में कौन कौन व्रत कर रहा है। फिलहाल हम लोग आए हुए हैं पार्क और यहाँ पे हमारा पूरा पैक एंजॉय कर रहा है, ये देख लो माँ बेटी की जोड़ी। और क्लोई जो है, हमें लगा था कि ये फेचिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगी, लेकिन अपने फादर की तरह, ये देखो इसका बापू, पागल बापू इसका बब्जी, जैसे पेड़ों के पास पेड़ काट रहा है वैसे ही क्लोई को फेचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्लोई को ज्यादा इंटरेस्ट ना पेड़ वेड़ काटने में है। तो देख लो गाइस इसके अंदर जो ट्रेड्स गए हैं बिल्कुल अपने पापा वाले गए हैं, शी इज मोर इन टू हंटिंग देन फेचिंग। और यहाँ पे उसकी माँ आई है, अब माँ के पीछे पीछे लग गई है। ओला क्या ढूंढ रहा है? ओली ना बॉल ढूंढ रही है, ओली को बहुत परेशानी हो रही है, बॉल कहाँ गई? ओला ये ले बॉल, मेरे पास है नहीं, मैं ऐसे ही उसको वो कर रही हूँ, समझ गई है कि है नहीं, ऐसे ही हमें बेवकूफ बना रही है। और क्लोई ना बड़ी मस्ती से खेल रही है यहाँ पे मम्मी के साथ, ये सेकेंड डे है कि आज क्लोई पार्क में आई है अपने पूरे पैक के साथ, पूरा पैक आया हुआ है। और ओला परेशान हो रही है, राहुल बॉल कहाँ है? और जोई भी बहुत परेशान हो रखी है, पूरा ये लोग हंट कर रहे हैं बॉल को, पर इनको बॉल ना दिख नहीं रही कहीं, देखो कहाँ कहाँ पीछे आगे हर जगह ये लड़कियां बॉल ढूंढ रही है, बॉल कहाँ है? इनको बॉल ही नहीं मिल रही, परेशान हो गई मेरी लड़कियां। और क्लोई ना समझ नहीं पा रही है यहाँ पे कि मम्मी और मासी इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, क्या ढूंढ रही है दोनों। ये सिर्फ इनको देख ही जा रही है और फॉलो करने की कोशिश कर रही है, पर उसको बेचारी को ना कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो अभी भी समझने की कोशिश करेगी वो वहां क्यों भाग गई है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्लोई को। तो इवेंचुअली इसको 2-4 बार पार्क आएगी, इसको समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो, आप हमें शुरू से देख रहे हो, तो जब जोई आई थी उसको भी बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था कि ये लोग क्या करते हैं बब्जी और लेडी ऑली। बट आज की डेट में सबसे ज्यादा बेस्ट जो फेचिंग में है ना वो जोई है, देखो कितनी फास्ट ले आई है बॉल। हाँ और बब्जी तो लगा पड़ा है उसी एक्टिविटी में जैसे वो लगा रहता है। पीछे से यहाँ पे दामिनी भी आ गई है, दामिनी को किसी ने काटा है मुझे लग रहा है उसके यहाँ पे ना। ओए ओए लड़ाई अभी से, लड़ाई नहीं, वो खेल रहे थे सारे।
क्लोई यू कांट फाइट नाउ 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 हमारी क्लोई के तेवर बब्जी वाले हैं बब्जी वाले तेवर हैं गाइस बब्जी वाले देख कल के क्लिप्स में भी बहुत सारे क्या चल रहा है ये यार ये अभी से फ्रेंडशिप हो गई इनकी सहेलियां बन गई हैं ये दोनों तो है ना ओए ये क्यों डर गई मत करे बब्बे क्यों डरा रहा है यार बच्चों को है राहुल मुझे तो ना ये लड़की कहीं से भी फेचिंग करने वाली नहीं लग रही क्लोई फेचिंग करने वाली कोशिश कर रही बट शी इज मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट हर डैड डज जो उसका बापू कर रहा है ना तोड़फोड़ इसको नंगा कर दिया गाइस कल के व्लॉग में अगर आपने देखो ये वही पेड़ है जिसके ऊपर कितने पत्ते और पूरा होता है ये आप डंडा यहाँ से शुरू होता देखो वो देखो एंड तक बब्जी ने डंडा छील मारा है और उसमें उसका साथ दे रही है दामिनी दामिनी देखो डर नहीं लगता बब्बे से हाँ और अब आ गई है साथ में क्लोई तो क्लोई अपने पापा का साथ देगी यहाँ पे पापा कह रहे हैं मजदूरी करो बेटा ताकि तुम्हारा पेट भर सकूं तो क्लोई कह रही है कि मैं आपका साथ दूंगी पापा फिर हम बैठ के इकट्ठे प्याज और रोटी खाएंगे बब्बे लग जाएगी दो दो तो गाइस फ्राइडे दोपहर है शिवरात्रि का दिन है और शुद्ध दोपहर के बज रहे 4:30 में और शिवाय और राहुल आए हुए हैं सिंधी टिक्की कॉर्नर ये करोलबाग में पड़ता है और यहाँ की टिक्की बहुत स्वाद होती है और हमें रिसेंटली ही हमारे यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइबर ने एक अमीर सिंह ने ये खिलाई थी यहाँ की टिक्की तो तब से हमें एकदम क्रेविंग हो रही थी तो आज हम फिर से हम सोचा यहाँ आ जाए तो फिलहाल शिवाय ये रहा शिवाय को ना नानी हाउस से लेकर आ रहे थे तो बस रस्ते में तो गाइस ये रही मेरी टिक्की इसकी टिक्की ना हार्ट शेप की होती है इसकी टिक्की से ज्यादा ना इसकी चटनी की वो है तारीफ और राहुल यहाँ खा रहे हैं क्या खा रहे भल्ले पापड़ी की दही भल्ले भल्ले पापड़ी चलो जी बढ़िया राहुल खा रहे भल्ले पापड़ी शिबू को बड़ी पसंद है दही ना तो खा रहे मजे से तो गाइस शाम के हो गए हैं 7:30-8 राहुल चला गया बास्केटबॉल खेलने और यहाँ पे बब्जी देखो पूंछ हिला रहे कहा हुआ बब्बे क्या हुआ क्या हुआ हाथ देखो इसके ऐसे कैसे लेटा हुआ क्या हो गया क्या हुआ खाना चाहिए अभी देखते हैं अभी मैं पहले ना क्लोई का बर्तन उठा लूं तो मैंने बब्बे के ना ऊपर से टाप लिया क्या कर रहा है ऐसे क्यों कर रहा है ऊपर से ना जोई भौंकी जा रही चुप नहीं हो रही क्या हुआ बब्बू बब्बू ओए लाड़ों का भूखा है मेरा बच्चा लाड़ों का भूखा क्या हुआ है ओ गुटली ओ मेरी छोटी सी गुटलू पुटलू ओ मेरी गुटली देखना गुटली कैसी हो रही है हाँ बब्बा है मेरा लड्डू आइज देखो गाइस क्यूटी बाय को हमारे साथ रहना ना ज्यादा अच्छा लगता रादर देन ना ऊपर बालकनी में ओला के साथ और जोई के साथ क्यूटी बाय हमारा बेटा है ना कुछ पूछू क्यूटी बाय बब्बी आइज देखो गाइस क्यूटी बाय बब्बी यहाँ मैंने रात का खाना प्रिपेयर कर रही हूँ इस मैडम का जो यहाँ पे बैठ के आराम से स्ट्रेचिंग कर रही क्या हुआ है क्लोई क्या हुआ क्लोडो क्या हुआ है आपकी आई ठीक हो रही है पहले से हाँ क्लोडो क्लोडो क्या हो रही है कहाँ चढ़ रही क्लोडा कहाँ चढ़ रहे हो आप कहाँ चढ़ रहे हो सिट सिट गुड गर्ल इसको सिट की कमांड गाइस आ गई है और इसको ये पता है कि जब सिट करते हैं ना तभी कोई चीज मिलती है ना क्लोडो और क्लोडो का ना आजकल प्यार मेरे से बढ़ गया है एज कम्पेयर टू पहले जैसे मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी ना गाइस अब ये कंपैरेटिवली ना मेरे से प्यार करने लग गई है और ना इसके कान आप देख रहे हो ओला की तरह ना बैठे नहीं हुए खड़े हो रहे हैं तो इसकी भी ना एक टेक्निक होती है जो राहुल ना लेट्स टॉक K9 में समझाएगा और हम एक दो दिन में ना इसकी वो कान वाली जो चीज है वो करने वाले नहीं तो इसके कान जो है ना बब्जी जैसे हो जाएंगे जो ओला के ऐसे है ना जैसे इसके बचपन में थे ऐसे ऐसे वो नहीं रहेंगे तो उस चीज की भी कोई टेक्निक होती है वो राहुल आपको इवेंचुअली बताएगा और ओला का नाम लेते ही ओला की बेटी ने बिल्कुल ओला वाली हरकत की यानी मेरे ऊपर जंप किया है ना ओला ओ क्लोडा है ना क्लोडी आप बैठो चलो गो बाहर जाओ मैं आपका खाना दूंगी थोड़ी देर में अभी दूंगी मेरा बेटा अभी दूंगी पहले थोड़ी देर भीग तो जाए तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया हो गया पानी गर्म और मैं इसमें गर्म गर्म पानी डाल देती हूँ ये ना इसकी फ्रेग्रेंस आ गई नहीं तो अच्छी बड़ी ना सोफे के पास बैठी हुई थी गाइस और देखो आज आपको एक अपडेट दे देती हूँ तो आज का अपडेट ये है कि हमने इसका जो यहाँ पे पिंजरा रहता था वो बिल्कुल हटा दिया अब ये केज में नहीं रहेगी अब ये केज के बाहर रहेगी क्योंकि अब ये बिग गर्ल हो गई है ना मेरी बिग्गू 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 गर्ल तो गाइस बस अब थोड़ी देर में ये जो मैंने इसका ड्रूल्स जो है वो सोक किया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर इसको मैं डिनर करा दूंगी तो गाइस यहाँ पे देखो शाम का टाइम है और शिवाय और क्लोई का ना हंगामा स्टार्ट हो चुका है क्लोई 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 को गुस्सा चढ़ रही है सोफे पे कैसे चढ़ गई हाँ इसको शिवाय का बलून चाहिए शिवाय ना जान की मुझे लगता है इसको ना चिढ़ाता है
उसको बलून आजकल ना बलून से खेलने का शौक है शिवाय को ना। शिवाय क्लोई के साथ भी खेल लो ना बलून के साथ। हाँ देखो पहुंच गया अपनी बहन के पास बलून लेके, वो देखी जा रही है कि मुझे भी मिलेगा। हे हे शिवाय को फन आ रहा है, इसको देखो ये लगातार देख रही है कि बलून मिलेगा। नहीं मिलेगा, ऐसे उतारना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके क्लोडो, क्लोडो को ना बहुत अम्यूजमेंट हो। अब क्लोडो के पास आ गया बलून, फिर शिवाय ले गया बुद्धू बना के ना क्लोई को। ओए इब्बू ये देखो पंगे लेके गया। क्या हुआ, क्या हो गया, दिखा दिखा, आइस में मार दिया क्लोई ने। राहुल आओ जरा। तो राहुल तो टॉयलेट में बैठा हुआ। क्लोई ने शिवाय की आंख में मार दिया शायद से। क्लोई क्यों पंगे लेती है बेटा, लग गई ना भाई को। शिवाय इधर आ, मम्मा को आइस दिखा। पर शिवाय देखो इतना हिम्मत ही लड़का है ना अपना, उसके बाद फिर से खेलने लग गया, बिल्कुल नहीं रोता। हमने इसको ना वो आते डाली हुई है, चोट लगे ना आगे बढ़ो जिंदगी में, क्रिब नहीं करना, रोते नहीं रहना उस बात पे। और उल्टा ना जे जो है ना उसको जरा सा भी कुछ हो जाए ना रोने लग जाता है। शिवाय तू ठीक है, दिखा मम्मा को आइस, दिखा इधर, इधर दिखा, लगी आंख पे है, कुछ हुआ है क्या राहुल? ना कह रहे ना, फिर ऊपर चढ़ गई है उसके। अब उसको आएगा गुस्सा, फिर वो मारेगा तुझे। हाय प्यार कर रहे हैं अभी भी मेरा बेटा, आंख पकड़ पकड़ के ना उसको। शिवाय तू कितना भोला है ना, अपने नाम जैसा भोला शंकर है। ओए मेरे भोले भंडारी, बिल्कुल अपने नाम जैसा है। चलाक लड़कियों से ना कुछ उसको शिवाय को लेना देना नहीं है। ये चलाक लड़की, चलाक लड़की, चलाक लड़की है ये क्लोई, अपने पापा जैसी। हाँ हाँ क्लोई ना कर, मेरे ऊपर चढ़ गई है, देख लो गाइस मेरे ऊपर चढ़ गई है ये लड़की है। मेरे पंजे क्यों मार रही है बेटा? शॉर्ट्स पहनना ना, गर्मियों में इतना वो रहता है ना, पंजे मारते हैं सारे के सारे हमारे डॉग्स ना बड़ी जोर जोर से। चलो अब आप रेस्ट करो, सोफे से उतरो। काटी खाने की कोशिश कर रही थी, मेरे को मैंने चीख मार दिया, फट गई। यही तरीका होता है गाइस बाइटिंग से रोकने का डॉगियों को ना। इब्बू क्या कर रहे हो, इधर आओ। मैं जाता वहां से, आता वहां से, ये लड़का। शिबू आजा बेटा। So guys, ये होता है आपके घर में जब आपके घर में एक ह्यूमन चाइल्ड भी होता है और आपके पास एक पेट भी होता है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी इतनी एंजॉय कर रहे हैं, आप खुद ही देखो। शिवाय को ना खेलने के लिए एक पार्टनर मिल गया है, वो ना क्लोई को टीज कर रहा है, और अब देखो अपना बलून छोड़ दिया तो वो जाके उसको ना फेच कर रही है। शिवाय गो एंड गेट योर बलून फ्रॉम क्लोई, गो। तो इसको पूरा एक पार्टनर मिल गया एक पेट के फॉर्म में। और खेलते खेलते ना क्लोई सोफे पे चढ़ गई, और अब उसको गुस्सा आ रहा है कि भाई ना उसको बलून नहीं दे रहा। क्यों गुस्सा आ रहा है? देखो कितने गुस्से में, देखो कितने गुस्से में क्लोई गुस्सा आ रहा है। और तू ऊपर कैसे चढ़ गई सोफे के? हाँ तू हमारे घर में ऊपर कैसे चढ़ गई सोफे पे? कैसे चढ़ गई तू, कैसे चढ़ गई बता दे लाडलो। और वहां भाई फिर से आ गए बलून लेके। क्लोई जाओ बलून लेकर आओ, इसकी नजर सिर्फ बलून के ऊपर है। क्लोई बलून आ गया, देख भाई आ गया बलून लेके, देख भाई आ गया बलून। काटी खाएगी, काटी खाएगी, काटी खाएगी, काटी खाएगी। क्या कर रही है क्लोई? मेरे सोफे क्यों खराब कर रही है गाइस? सारे सोफे खराब कर देती है। और अब ना नई आदत डाल ली इसने ना कुशन पे सोने की, रोज कुशन के ऊपर ना सोने की कोशिश करती है, कुशन नीचे खींच लेती है और ना सोफे से नीचे उतर के सोने की मतलब कोशिश करती है विद अ पिल्लो। पिल्लो कौन सा? ये छोटे वाला तकिया, ठीक है, इसको अपने नीचे रख लेती है, इसके ऊपर चढ़ के सोती है। और वहां से केज तो आपको बताया था हमने कि हटा दिया, तो बस यहाँ पे मैडम को अब सोफा मिल गया, केज हट गया तो सोफा। सो गाइस ये देखो हमने ना इसका केज हटा दिया, और ये मैडम पता क्या करती है, सोफे का कोई भी कुशन पकड़ती है, उसको अपने पैरों के नीचे रखती है और आराम से स्ट्रेच करके दिखा रही है देखो अब तो, और लेट जाती है। हाँ क्लोई WI डीमन, ओ क्लोई WI डीमन, पिटाई होगी, कुशन छोड़ दे मेरा। अच्छा तुम्हारे लिए खरीदा था सोफा, हटो कुशन, नहीं उसको ऊपर बैठ गई, तेरा कुशन है, तेरा कुशन, तेरा कुशन, तेरा कुशन, तेरा कुशन। देखो मम्मी और इसकी ने खट्टी मीठी लड़ाई चलती रहती है, छोड़ इसको, क्वेश्चन ले लिया फाइनली मन्नी ने, और ये कह रही है मेरा क्वेश्चन वापस कर दे, मेरा क्वेश्चन वापस कर दे। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल जोई का बर्थडे है, तो देखो क्या करते हैं मैडम का हम। वैसे एक साल की हो गई, अब देख लो एक साल से जोई के साथ हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अप्रैल में वो आई थी, उससे पहले की वो बॉर्न है,
और मतलब 9th मार्च हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ डिटरमाइन करी थी एज पर कैलकुलेशंस, और आज उसका फर्स्ट बर्थडे है। और जोई की पूरी जर्नी हमने डे वन से आज तक आपको दिखाई है, तो कल का व्लॉग जरूर देखना और जोई को अपनी ब्लेसिंग जरूर देना, क्योंकि कल जोई हो जाएगी पूरे 1 साल की, और भगवान उसको उतनी ही वो देख अच्छी हेल्थ और ग्रोथ जितनी हमारे बाकी बच्चों को दी हुई है। और गाइस, जो लोग सोचते हैं ना हम जोई से कम प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम जोई से भी उतना ही प्यार करते हैं। हम अपने 6 के 6 बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जितना 1 से करते हैं। शिवाय से हल्का ज्यादा करती हूँ मैं सबसे, लेकिन सबको बराबर प्यार करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम 1 को कम करें और 1 को ज्यादा करें, तो ये मिसकंसेप्शन मत रखो कि हम जोई को कम प्यार करते हैं। हम जोई को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो बस थोड़ी सी ना मनचली सी है, इसीलिए उसके साथ ना ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती मैं, अदरवाइज शी इज आवर डॉटर एंड शी विल ऑलवेज बी। तो गाइज, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहो, प्यार बनाए रखो, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं आपको कल।